रांची के और मांझी से एक ऐसी वारदात की खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना एक तरीके से आप देखें तो बेहद निंदनीय है। ऐसी वारदात किसी और के साथ ना हो। रांची के और मांझी से पलास पत्रा जंगल से अभी से ठीक दो दिन पहले एक युवती का शव बरामद किया गया था। युवती का शव जब बरामद किया गया तो युवती के शरीर से सर गायब था। सोचिए, इतने खौफनाक वारदात को अंजाम देकर अब तक अपराधी फरार हैं। आखिर वो युवती भी कौन है, इस पर भी अभी तक सवाल का पर्दा बना हुआ है। पर्दा हट नहीं पाया है कि युवती आखिर कौन है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उस युवती का पहचान करने में और अपराधियों तक पहुंचने में। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए कि उस युवती के साथ क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन और मांझी के पलास पत्रा जंगल से उस युवती का शव बरामद किया गया। और मांझी पुलिस ने रविवार को पलास पत्रा जंगल में एक युवती की सिर कटी लाश बरामद की थी। युवती का सिर खोजने के लिए पुलिस दिन भर छानबीन करती रही, लेकिन पता नहीं चला। युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों को बुलाकर शव दिखाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। लाश को देखने के बाद पुलिस ने यह आशंका जताई थी कि दुष्कर्म के बाद अपराधियों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। शव की पहचान नहीं हो सके, इस वजह से सिर को कहीं और फेंक दिया गया। वैसे पोस्टमार्टम का इंतजार हो रहा है। घटना की सूचना पाकर ग्रामीण SP, सिल्ली DSP समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और मामले की जांच पड़ताल में जुटे थे। ग्रामीण SP ने थानेदार को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द युवती की पहचान कराएं और तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करें। आपको बता दें कि वारदात के दिन पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतलें भी मिली थी। ऐसे में आशंका जताई गई थी कि अपराधियों ने पहले पिकनिक मनाया और शराब पी, नशे में आने के बाद दुष्कर्म और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद अपराधियों ने घटनास्थल पर पानी डाल दिया था ताकि पुलिस को साक्ष्य नहीं मिल पाए। पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में जिन इलाकों से लड़कियां मिसिंग हुई हैं उसकी जांच चल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। रांची के और मांझी से एक ऐसी वारदात की खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह खबर वाकई में निंदनीय है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। आज ही की खबर है कि आज देवघर में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी वारदात की खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोरा है। हम उसी खबर को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। खबर और मांझी के पलास पत्रा जंगल से आई थी, जहां एक युवती का शव बरामद किया गया था। युवती का सर कटा हुआ था। पुलिस ने आशंका जताई है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, बलात्कार किया गया, उसके बाद उसका सर काट दिया गया। इतना जघन्य अपराध, उसके बाद भी अब तक अपराधी फरार हैं। इधर युवती कौन है इसका भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घोषणा की है कि जो भी इस हत्याकांड से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। कल CM हेमंत सोरेन के काफिले को भी रोकने का प्रयास किया गया। कुछ प्रदर्शनकारी रांची में ही अड़ गए और CM हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने का प्रयास किया। समाधान इंडिया ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही समाधान इंडिया भी अपील करती है सरकार से भी और प्रशासन से भी कि इस तरह के आपराधिक घटना को जो भी अंजाम देते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि समाज में इस तरह की जो घटना है वो दोहराई ना जा सके। आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम उस कड़ी में भी आपको लिए चलेंगे जहां पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कर रही है। इधर इस घटना के 48 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक युवती का सिर कपड़ा बरामद नहीं हो पाया है। रविवार को और मांझी थाना क्षेत्र में जंगल से युवती का सिर थड़ नग्न अवस्था में पुलिस ने बरामद की थी। पुलिस की ओर से सघन छापेमारी अभियान लगातार जारी है और सिर ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। अभी तक ना तो सिर ना ही कोई पहचान मिला है। आखिर युवती कौन है, कहाँ की है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। युवती की बड़ी खौफनाक तरीके से हत्या की गई थी। सिर अलग करने के साथ साथ गुप्त अंगों को भी बड़ी बेरहमी से काटा गया था। और मांझी में रविवार को युवती की हत्या के विरोध में सोमवार शाम न्यू मार्केट हरमू रोड स्थित किशोरगंज चौक के पास जमकर हंगामा हुआ। रोड जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों में से कुछ उत्पाती युवकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोका, बैरिकेटिंग भी तोड़ दी। इसके बाद CM के काफिले को किशोरगंज से डाइवर्ट कर
ओघड़ आश्रम सेवा सदन रोड होते हुए कांके रोड स्थित आवास पहुंचाया गया। सीएम का काफिला निकलने के बाद जाम में फंसी गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उत्पाती महिला पुरुषों की पहचान कर रही है। इधर इस मामले पर रांची एसएसपी सुरेंद्र झा ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा का कहना है कि जल्द ही हम उन अपराधियों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर इस युवती के बारे में आपको जानकारी हो तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक आखिर ये युवती कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। युवती का सर गायब है। ऐसे में पुलिस लगातार यही प्रयास कर रही है कि इस आपराधिक घटना में जो भी लोग शामिल थे उन्हें पकड़ा जाए। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर ये युवती कौन है और आखिर क्यों परास पतरा जो जंगल है और मांझी का, वहाँ आखिर वो क्यों गई थी। घटनास्थल पर पुलिस को शराब की बोतलें भी मिली थी। आखिर इस घटना के पीछे कौन है और आखिर क्यों एक ऐसे युवती की हत्या कर दी गई जिसका कोई दोष नहीं था, आखिर क्या वजह थी, इन तमाम चीज़ों पर जो पर्दा है उठने में वक्त जरूर लगाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इस हत्याकांड में और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं वो बचेंगे नहीं। पर आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन उस युवती को न्याय मिलेगा, उसके परिजनों को न्याय मिलेगा। एक रिपोर्ट देखिए पुलिस के कार्रवाई पर समाधान इंडिया की रिपोर्ट। सोमवार को हरमू रोड में सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश और सड़क पर हंगामा करने वालों पर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से करीब दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अन्य की धरपकड़ जारी है। एसएसपी श्री झा ने बताया कि जिसने भी कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की है सबकी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग शामिल हैं उसकी पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज एवं अन्य स्रोतों से सबकी शिनाख्त की जा रही है। एसएसपी ने ओरमांझी की घटना के संबंध में बताया कि पुलिस की कई टीमें लगातार लगी हुई है, दिन रात उसी घटना पर काम हो रहा है और वो स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार युवती के बारे में जानकारी मिले तो उसे वो पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वालों की पहचान और पता गुप्त रखा जाएगा। इससे पहले भी पुलिस ने एक इश्तिहार जारी किया था जिसमें पहचान एवं अपराधियों के संबंध में सूचना देने वालों को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के तरफ से 25,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत करने का प्रेस विज्ञप्ति पहले ही जारी किया जा चुका है। सूचना देने वालों का नाम एवं पता गुप्त रखा जाएगा। बहरहाल पुलिस लगातार छापेमारी अभियान में जुटी हुई है और जब तक उन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ लेती है तब तक लोगों के जो अंदर आक्रोश है वो शायद थमेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया।